इसको खाना खिला देना। नहीं वीरा, इस वक्त शेर बहुत भूखा है, वो हम पे भी हमला कर सकता है। वीरा, मीरा को लेके वापस आ जा। पीछे बच्चे कैसे? बच्चे तो ठीक है, बहुत परेशान और डर गए हैं। आप लोग कैसे भी करके हमें यहाँ से बाहर निकालिए। आप चिंता ना करो, शेर को भगाने का उपाय ढूंढ रहे। बच्चे के माँ बाप उनसे बात करना चाहते, बंटी को बुलाओ। हाँ एक मिनट, तेरे मम्मी पापा है। ये लीजिए। हेलो, हेलो, मेरा कप्पी भी अंदर है। अरे मेरे प्रीतू के बारे में तो पूछो। हेलो, वीरा को फोन दो ना। हाँ एक मिनट, वीरा बीजी से बात कर। हेलो बीजी, मैं बोल रही हूँ, वीरा। हाँ वीरा, वीरा सुन हम। हेलो, हेलो बीजी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हेलो, हेलो, नहीं, हेलो बीजी, लतिका, अरे बैटरी खत्म हो गई। फोन बंद हो गया वहां से। हेलो, तुसी घबराओ नहीं, मैं आपके लिए पानी लेकर आ। नहीं पीना है पानी मैंने। बेचारा कितना भूखा होगा वो। यहाँ चाचू तो बोलते हैं कि जानवर बिना वजह के हमें नुकसान नहीं पहुँचाते। कहाँ चला गया ये? अब मैं उसे खाना कैसे खिलाऊंगी? अरे ये कमरे से बाहर कौन आ रहा है? वीरा,
फिरा स्कूल की झाड़ियों में बैठा। साहब जी कुछ करिए, अंदर बच्चे की जान खतरे में। लेकिन आप उसे पकड़ोगे कैसे? ये बेहोश करने वाली बंदूक है। एक बार मैं शेर को बेहोश कर दूं, उसके बाद मैं उसे नेशनल पार्क में छोड़ाऊंगा, जहां से वो भाग के आया था। शोर मत मचाइए, वरना शेर भड़क गया तो बच्चे पर हमला कर सकता है। शेर को किसी भी तरह बाहर निकालना होगा। ये जानवर बहुत ही होशियार होते हैं। अगर इन्हें भनक लग गई कि इन्हें घेरा जा रहा है, ये आक्रामक हो सकते हैं। अभी क्या कर सकते हैं आप ये बताइए। शेर को बाहर लाने का एक ही उपाय है, बच्ची को अगर थोड़ा सा बाहर लाया जाए तो शायद शेर उसे देखकर बाहर आ जाएगा और मौका देखते मैं उसे बेहोश कर दूंगा। पागल हो गए आप? कैसी बात कर रहे हो? नहीं, मैं वीरा की जान खतरे में नहीं डाल सकती। नहीं चाचू, मैं वीरा के साथ ऐसा नहीं करने दूंगा। देखिए आप मुझ पर भरोसा रखिए, ऐसी हालातों से मेरा कई बार पहले सामना हो चुका है। मैं आपके बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। नहीं, अगर अफसर जी कह रहे हैं तो सही कह रहे हो। और कोई चारा भी नहीं बचा हमारे पास। नहीं, मैं वीरा को चारा बनाने नहीं दूंगी। मैं ये खतरा नहीं उठा सकती। कमरे में कुछ नहीं करेगा वो बीजी, खाना खाना है। बीजी कितने चले गए आप? मैं डिब्बा खोल के आपके पास रख देती हूँ और आप आना खा के चले जाना, ठीक है? वीरा, वीरा नीचे मत आओ, वीरा ऊपर जा, वीरा अंदर जा, वीरा पीछे जा। गलती ना कर, बच्ची पर अटैक कर सकता है। दादाजी आप समझने की कोशिश कीजिए, शेर को बाहर निकालने के लिए बच्ची का सहारा लेना ही होगा और ये काम इस वक्त इस बच्चे के अलावा कोई नहीं कर सकता। आप घबराइए मत, मैं बच्ची को कुछ नहीं होने दूंगा।
रणवीर छोटी जान रणवीर वापस आ वीजी, वीजी, उसको खाना खिला देना। नहीं वीरा, इस वक्त शेर बहुत भूखा है, वो हम पे भी हमला कर सकता है। वीरा, मीरा को लेके वापस आ जा। पीछे अब एक काम करिए, कंधे पे चढ़ी जल्दी। रिश्ता वही।